हमने एक रीसेंट वीडियो में 3D प्रिंटिंग से बैच प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस शेयर किया। ऑफ कोर्स 3D प्रिंटिंग ट्रेडिशनल मास मैन्युफैक्चरिंग के जैसे इंजेक्शन मोल्डिंग के हाई क्वांटिटी प्रोडक्शन के कंपेयर्ड कॉस्ट नहीं दे पाएगी, बट कुछ मेथड्स है जिससे 3D प्रिंटिंग इंजेक्शन मोल्डिंग को सप्लीमेंट कर सकती है। सो वेलकम टू रीथ्रीडिफाइन। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई न्यू वीडियो मिस ना करें। सो लेट्स बिगिन। मेजॉरिटी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो इंजेक्शन मोल्डिंग से बनते हैं क्योंकि ये सबसे लो कॉस्ट मेथड है फॉर प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी प्लास्टिक पार्ट्स इन लार्ज क्वांटिटी। इस प्रोसेस में एक डाई या मोल्ड के अंदर मोल्टन प्लास्टिक फिल किया जाता है। जब डाई कूल हो जाता है तो मोल्टन प्लास्टिक हार्ड बन जाता है, फिर मोल्ड को ओपन करके पार्ट को रिट्रीव किया जाता है। 3D प्रिंटिंग से भी पार्ट्स बनते हैं बट लार्ज स्केल प्रोडक्शन में ये प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग के कॉस्ट को टक्कर नहीं दे सकता। माना कि इंजेक्शन मोल्डिंग इंडस्ट्री में आजकल 3D प्रिंटिंग से प्रोटोटाइप्स बनाए जाते हैं, बट आज हम एक्चुअल प्रोसेस में कहाँ 3D प्रिंटिंग का यूज़ हो सकता है वो देखने वाले हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग के लिए मोल्ड्स बनाने पड़ते हैं जो एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर होता है। ये मोल्ड्स मेटल से फैब्रिकेट किए जाते हैं यूजुअली विद द हेल्प ऑफ CNC मिलिंग मशीन्स, बट हम इन्हें 3D प्रिंट भी कर सकते हैं। मोल्ड्स 3D प्रिंट करने के लिए हम FDM, SLA या SLS और इवन बाइंडर जेटिंग का यूज़ कर सकते हैं, बट जैसे कि आपको पता होगा कि इंजेक्शन मोल्डिंग के लिए हाई एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए SLA ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसका एक्यूरेसी टू कॉस्ट रेशियो अच्छा होता है। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के लिए यूनिवर्सल मेटल फ्रेम्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट को हाई प्रेशर और टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करते हैं विच आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ऑपरेशन। हमें वो प्रिंट नहीं करने, सिर्फ मोल्ड ही प्रिंट करने होते हैं। इंजेक्शन मोल्ड 3D प्रिंट करने के लिए कुछ कॉमन मटेरियल्स यूज होते हैं जैसे PETG, ABS, नायलॉन, PP विच स्टैंड्स फॉर पॉलीप्रोपिलीन, TPE विच आर थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर, और POM विच स्टैंड्स फॉर पॉलीऑक्सीमिथिलीन विच इज ऑल्सो नोन एज डेल्ड्रिन और एसेटिल। 3D प्रिंटिंग CNC मिल्ड मोल्ड्स को कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं कर पाएगा, बट इट कैन बी एन एक्सेलेंट कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन ऑफ इंजेक्शन मोल्ड्स। ये शॉर्ट सीरीज प्रोडक्शन के लिए इकोनॉमिकल मोल्ड्स बनाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, एंड ऑन दी अदर हैंड इट हेल्प्स टू वेरीफाई दैट द डिज़ाइन ऑफ द मेटल मोल्ड्स बिफोर मशीनिंग देम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एक मोल्ड 3D प्रिंट करके चेक कर सकते हैं कि डज द मोल्ड वर्क, और अगर काम कर रहा है तो हम लार्ज वॉल्यूम प्रोडक्शन के लिए CNC मिलिंग से मोल्ड बना सकते हैं। क्योंकि अगर CNC मिल्ड मोल्ड फेल हो जाए इट एंड इफ इट डजेंट वर्क, इट नॉट ओनली एड्स अप टू द ओवरऑल कॉस्ट बट इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू इंक्रीजिंग द लीड टाइम। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। लॉस्ट वैक्स मोल्डिंग एक प्रोसीजर है जिसमें एक सैक्रिफिशियल मोल्ड को सेरेमिक कोटिंग लगा के कैल्सिनेशन किया जाता है जिससे एक मोल्ड मिलता है। ये प्रोसेस कास्ट आयरन मैकेनिकल प्रोडक्शन के लिए बहुत यूज़ होता है क्योंकि इससे हाई प्रेसिजन मिलता है और कॉम्प्लेक्स शेप्स भी बना सकते हैं। इस प्रोसेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हर एक पार्ट के लिए वैक्स मोल्ड को बना के उसे डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। वैक्स मोल्ड को बनाने के लिए एक परमानेंट मोल्ड की ज़रूरत पड़ती है जो जनरली एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं और यूजिंग CNC मिलिंग। इससे लो वॉल्यूम प्रोडक्शन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा अल्टरनेटिव ये है कि डायरेक्टली CNC से वैक्स मोल्ड बनाया जाए, बट इसमें भी इक्विपमेंट कॉस्ट लगती है क्योंकि CNC मशीनिंग इज़ नॉट एन चीप प्रोसीजर। और यहाँ पर 3D प्रिंटिंग का काफ़ी यूज़ हो सकता है क्योंकि अभी न्यू कॉस्टेबल मटेरियल से हम दोनों SLA और FDM से मोल्ड बना सकते हैं जो वैक्स मोल्ड्स को रिप्लेस कर देंगे। इससे ना कि बस प्रोडक्शन कॉस्ट बच जाएगी बट टाइम भी सेव होगा, और इस 3D प्रिंटेड पार्ट वैक्स से स्ट्रॉन्गर होते हैं विच मे नॉट ब्रेक ड्यूरिंग हैंडलिंग। तो ये थे मेथड्स विच कैन बी यूज टू सप्लीमेंट इंजेक्शन मोल्डिंग एंड कास्टिंग यूजिंग 3D प्रिंटिंग। सो ये था एक वीडियो रिगार्डिंग हाउ 3D प्रिंटिंग कैन सप्लीमेंट कास्टिंग एंड इंजेक्शन मोल्डिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर कर देना,
और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई न्यू वीडियो मिस ना करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप प्रिंटिंग।